राजकुमार शर्मा, डायबिटोलॉजिस्ट जम्मू। तो मेरा जो एक हॉबी है इसमें पेंटिंग, स्कल्पचरिंग एंड गार्डनिंग। तो जब ये लॉकडाउन का टाइम निकल रहा है तो मुझे ये मौका मिला कि जो मैं अपनी जो हॉबीज़ को थोड़ी देर के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था, अब मैं इसे प्रॉपर टाइम दे के मैं थोड़ी पेंटिंग्स एज वेल एज ड्राइंग्स मैंने इस दौरान की है। वैसे मैंने काफ़ी काम डायबिटीज में किया है पेंटिंग्स पे। इसके अलावा मैंने गणेशा, नेचर और डिफरेंट मीडियम्स में मैंने काम किया है, चाहे वो एक्रेलिक हो, चाहे वो कॉन्टी हो, चारकोल हो या ड्राई पेस्टल्स हो। तो मैं आपको सारा जो मेरा काम है वो थोड़ा बहुत बताऊंगा और जो मैंने लॉकडाउन के बीच ये काम किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो देखिए, मैं अभी आपको यही बताता हूँ जो लॉकडाउन में मैंने थोड़ा सा काम किया है। तो आप देखिए कि जो आजकल ये कोरोना वायरस फैल रहा है तो इसके ऊपर मैंने एक दो काम किए हैं, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो है ये काम जो है ये बताता है कोरोना वायरस के ऊपर मैंने बनाया है कि कैसे प्रोटेक्टिव गियर डाल के पेशेंट को रिप्रेजेंट किया है, बचाया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा है वो यहाँ है। तो इसमें जो मैंने बताया है कि दिस इज ए कन्फ्रंटेशन बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। तो ये दोनों ये कोरोना वायरस को लेके जो अमेरिका में और जो चाइना में जो कन्फ्रंटेशन चल रही है उसको ये डिपिक्ट करती है। तो ये दो चीज़ें तो टिपिकल जो मैंने कोरोना के ऊपर की हैं। इसके अलावा इस दौरान में मैंने एक ये पेंटिंग बनाई है जिसपे मैंने फ्लावर्स को डिपिक्ट किया है, फ्लावर पॉट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि मैं नेचर के बहुत करीब हूँ तो फ्लावर्स के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा काम है। इसके अलावा नेचर को लेके मैंने ये काम किया है, ये भी किया है, अभी ट्रेंड नहीं हुआ। तो ये काम जो है ये बता रहा है कि सनसेट कैसे होता है। तो इस पर आप देखें एक बड़ा अच्छा व्यू है सनसेट का इन द फील्ड्स। तो इसमें आपको क्लाउड्स दिखते हैं, सन दिखता है और फील्ड्स दिख रही हैं। इसके अलावा ये अगेन एक गणेशा के ऊपर मैंने काम किया है। तो ये गणेश जी का एक डिपिक्शन है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। तो मैंने जितने भी गणेश जी हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में किए हैं, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे ये दूसरी पेंटिंग है, ये सेम जैसे सनसेट किया था ये उसी की तरीके से ये एक पेंटिंग जो मैं कर रहा हूँ ये आप लाइन एंगल से बेटर दिखेगी। ये आपको एक ड्यूरिंग द स्नो दी, ये जो आपको एक हिल स्टेशन पे स्नो के मिडनाइट जो मूनलाइट नाइट है उसका ये इफेक्ट आ रहा है। तो ये पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा ये मेरी ड्राइंग्स हैं, सिर्फ इसको फोकस कर। ये फ्लावर है, ये कॉन्टी और एक्रेलिक कलर का है। इस सीरीज में मैं आप नेक्स्ट एग्जीबिशन जो लगाऊंगा ये आपको लैंडस्केप है, ये आपको दिखेगी ऐसे। तो इस सीरीज में काफ़ी काम इसमें जो हुआ है वो नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। ये गेम्स है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं, ये जो लॉकडाउन में ये मेरी ड्राइंग्स हैं, सिर्फ इसको फोकस कर।
ये फ्लावर है, ये कोंटी और एक्रेलिक कलर का है। इस सीरीज में मैं आप नेक्स्ट एग्जीबिशन जो लगाऊंगा, ये आपको लैंडस्केप है, ये आपको दिखेगी ऐसे। तो इस सीरीज में काफ़ी काम इसमें जो हुआ है वो नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। ये गेम्स है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं, ये जो लॉकडाउन में मैंने सारी की हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें सब में कॉम्पी और रेड कलर का यूज हुआ है, और जिसमें फ्लावर्स हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं, ये गणेशा है, आप देखें ये कॉम्पी में गणेशा हुआ है, ये भी उसी की सीरीज में है। राइट और रॉन्ग ये भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है सारा। ये अगेन एक पेंटिंग है, ये लैंडस्केप, ये फ्लावर है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द ड्राइंग्स जो मैंने अभी रिसेंटली की हैं। मेरा काम जो मैंने अपनी गैलरी बनाई है, तो आप ये देखेंगे कि आर्ट फॉर्म में ये डिफरेंट टाइप ऑफ ये पेंटिंग्स हैं, ये बेसिकली चारकोल की जो ड्राइंग्स हैं, ये सारा चारकोल का काम है। और ये एक्रेलिक ऑन पेपर, ये पेपर पे जस्ट क्लोजिंग द इंफिनिटी, जो लिमिटिंग द इंफिनिटी, एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का काम है जो कि एक ऑफिस वगैरह में लगाया जा सकता है। ये अगेन गणेशा डिफरेंट फॉर्म्स ये अपना चारकोल में है। ये गणेशा सीरीज में है, तो ये गणेश जी का एक डिफरेंट फॉर्म, सन जैसे एक वाटरफॉल में गणेश जी आए हैं, ये फिश फॉर्म में गणेश जी हैं, ये गणेश जी का वो फॉर्म है, ये सनफ्लावर की तरह उसको डिपिक्ट किया गया है। ये मेरा एक स्कल्पचर है, ये गणेश जी की जो ट्रंक जो सूंड कहते हैं उसका एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म में है। ये जैसे लैंडस्केप मैंने आपको पहले भी बताया, ये दूसरे लैंडस्केप्स हैं, इसको देखें आप, ये सनसेट का अगेन सनसेट इन डिफरेंट फॉर्म। ये आप देखें एक ये वुड स्कल्पचर है जो कि गणेश जी ऊपर है, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में गणेश जी हैं, ये उनका। ये आप देखें एक ये वुड स्कल्पचर है जो कि गणेश जी ऊपर है, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में गणेश जी हैं, ये उनका ट्रंक है, ये उनका बॉडी है, और ये बेस है। ये अगेन सनसेट इन दी डेजर्ट, ये जैसे डेजर्ट में सनसेट होता है उसको डिपिक्ट किया गया। ये एक स्कल्पचर है जो थर्ड आई ऑफ अपना शिवा, जिसे शिव जी का तीसरा अंग कहते हैं, ये उसी में है, ये डमरू है, और ये शिव जी का जो स्टैचू है वो जिसे लिंग कहते हैं वो है। ये अगेन जो एक्रेलिक फॉर्म में है, ये कपल है, विस्टर्न ड्रीम ऑफ द कपल। ये जो है ये हमारा जो है ये ड्राई क्रिस्टल्स में है, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। अगेन ये बेसिकली ये जो है एक बिग डोर है टू द पैलेस, एंट्री टू द पैलेस। ये अगेन गणेशा डिफरेंट फॉर्म में है। ये अगर सीरीज मैंने की सीरीज में कि आप हारमोनी विद द नेचर और सिम्फनी विद द नेचर, तो ये आप योगा अलॉन्ग विद द नेचर के बेस बैकग्राउंड में जो है वो आपको एक नेचर है, उसके सामने आप एक फिगर है जो कि योगा के डिफरेंट टाइप ऑफ सीनरीज है। तो मेरी इस गैलरी का नाम जो है गणेशा के ऊपर ही है, तो ये मेरा स्पेशल रूम जो है इसे गणेशा रूम में कहता हूँ। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपने देखे हैं गणेशा के डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट मोड्स हैं,
ये मेरा खुद का बनाया स्कल्पचर है और ये कलेक्शन है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जो है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिएचर आप देख सकते हैं इसमें सारे। तो ये एक अच्छा एक एरिया है जिसको डिपिक्ट मैंने सिर्फ मिनिएचर के लिए ही रखा है। और ये एंड में अगेन मिनिएचर आप दूर से देखें तो ये मिनिएचर है। तो ये मेरा बेसिक जो ये जगह जहाँ मैं काम करता हूँ, स्टूडियो काम गैदरिंग समझ लीजिए, तो ये मेरा काम है। तो ये सब काम आपने देखा होगा अभी। तो इसमें मैंने ज़्यादा काम जो है गणेशा पे किया है, नेचर पे किया है, और इसके अलावा जो दो तीन स्कल्पचर हैं तो मैं एक नया स्कल्पचर जो मैंने भी किया है वो है फॉरेस्ट के ऊपर। तो ये आप देखें कि ये फॉरेस्ट के लकड़ी है, ये फॉरेस्ट को डिपिक्ट करती है जिसमें कि स्टोन्स हैं, वुड है, लॉग्स हैं, ये जो ट्रीज हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये आपको पूरा इफेक्ट जो है डेजर्टेड फॉरेस्ट का जो है वो आपको देता है। तो ये सारे काम आप देखें तो ये मैंने टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइम्स में किए हैं। तो इस लॉकडाउन की वजह से मुझे आपने दिखाया, मैंने आपको कि मुझे बहुत मौका मिला, मैं जो अपनी जो हॉबीज